नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं के साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में आप सब एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। लेकिन कृषि फसल का वायदा बाजार के अपडेट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको भी ओमिक्रॉन से अपनी दुकानदारी बंद होने का डर सता रहा है तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLIS एक ऐसी ऐप है जो आपको मुफ्त में घर बैठे बैठे अपना ही दुकान चलाने का मौका दे रही है, चाहे लॉकडाउन लगा हो चाहे ना लगा हो। माई बिग ब्लिस ऐप आपकी सेल बढ़ा सकती है और आपको अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती है। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस करना छोटा सा ये काम होगा कि फ़ोन उठाना है और माई बिग ब्लिस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जब आपके फ़ोन पर माई बिग ब्लिस ऐप डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इस पर अपने दुकान रजिस्टर कर लेनी है। दुकान किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले से दुकानदार हों तभी इसका ऐप का इस्तेमाल कर किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर एम्प्लॉई हैं और अपनी पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं तब भी आप इस ऐप के ज़रिए सामान बेचकर अपनी जो सेल है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक पैसा खर्च किए। बिना एक पैसा खर्च किए आप इस ऐप से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लें आप शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे कैसा सीड से, तो हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का जनवरी वायदा 5830 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का वायदा बाजार अभी भी शाम के कारोबारी सत्र में आधे फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी बंदी नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि कैस्टर की जो डिमांड है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है डोमेस्टिकली भी, और जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें भी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कैस्टर सीड की कीमतों में अभी एक गिरावट वाला माहौल आगे भी जारी रह सकता है। कीमतें कैस्टर की आगे जाके अभी थोड़ा और गिरती नज़र आ सकती हैं। बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि बिनौला खल का जनवरी वायदा 3012 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 1% की तेजी है। हमने बिनौला खल को 3000 के ऊपर सस्टेन होते हुए देख लिया है। आगे जानकार बिनौला खल में और तेज़ी का रुझान बता रहे हैं। जानकारों का यही कहना है कि आगे जाके बिनौला खल की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो निकल सकती है, जो बिनौला खल की कीमतों को और तेज़ी की ओर लेके जा सकती है। बात करें मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि नरमी के साथ ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जनवरी वायदा 8448 पर ट्रेड कर रहा है। जीरे का जनवरी वायदा 16060 पर ट्रेड कर रहा है, आधे फीसदी की करेक्शन है। हल्दी भी 9044 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि हल्दी, जीरा, धनिया तीनों ही मसाला पैक एक गिरावट के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। तो आज शाम की कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा और साल 2022 किस कृषि फसल के लिए कैसा रह सकता है, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जाने माने केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के बारे में बात करना चाहूंगा। आपने पहले ही बता दिया था कि कैसे सीड की कीमतों में 5800 से 6000 का एक सीमित दायरा देखने को मिलेगा, हमने वो भी देख लिया। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, जिस हिसाब से आप पहले भी बता चुके हैं कि जो डिमांड है उसमें कमी देखने को मिली है और यील्ड ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या ऐसे में कैसर में अभी और गिरावट संभव है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कैस्टर में एक्चुअली हम तेजी देख रहे थे, बट हमने देखा प्राइजेस ऑलमोस्ट 66-67 तक का ही लेवल दिखा पाया जिधर से पैंडामिक की वजह से कंसर्न था। बट अब जैसे हम दिसंबर कंप्लीट कर चुके हैं और जनवरी में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बार यील्ड में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, डिमांड बिल्कुल पिकअप नहीं कर पा रही है। चाइना में भी काफी पोर्ट्स हमने देखा कि बंद हुए हैं। वहीं अगर हम मिल एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोर्ट्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि पैंडामिक की वजह से जो डिमांड में हम इम्प्रूवमेंट दिख रहे थे वो अब इस वक्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सपोर्ट की अगर स्टैटिस्टिक की बात करें तो हमने देखा कि पहले जो क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में तो अच्छे थे, बट क्वार्टर फोर में आते आते हमने जो एक्सपोर्ट्स देखे उसमें भी हमने थोड़ा बहुत इंक्वायरीज में ड्रॉप आते हुए देखा है। तो ऑलरेडी टेक्निकली मार्केट 6000 का लेवल तोड़ चुका है, सामने नई क्रॉप भी है, डिमांड नहीं है,
प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, जो हमें लगता है प्राइजेस 5500 से 5600 का जो रेंज है, इस रेंज में प्राइजेस जल्दी हिट होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कैस्टर को हर उछाले पे बेच के चलना चाहिए। जी ये से अजय जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आप पॉजिटिव ही रहे हैं पहले से, कि बिनौला खल में आपने पहले बता दिया था कि साल 2022 में काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप हो सकती है, और वही लेवल हमने अब भी बनते हुए देख रहे हैं कि अब जो आपने तेजी की बात कही थी, अब वो धीरे धीरे उठनी शुरू हो गई है तेजी। हमने बिनौला खल में 3000 का लेवल आपने जो दिया था वो अचीव होते हुए देख लिया है। अब आपको यहाँ से आगे क्या लगता है, जनवरी 2022 की शुरुआत में बिनौला खल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आगाह करना चाहता हूँ कि ज्यादा करके हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो पास्ट का होता है, फ्यूचर का नहीं होता। जी हमने देखा पैंडामिक हिट हुआ, पैंडामिक का आई डोंट थिंक हमारे कोई भी लिजनर है उनकी 100 साल से ऊपर की उम्र होगी, क्योंकि ऐसे पैंडामिक हमने 1920 में देखा था। जी अब आपको ये देखना, जब भी ऐसी महामारी आती है तो कमोडिटी के साथ होता क्या है, तो हमने पिछले 150-200 साल के जो डेटा एनालाइज किया और एग्री कमोडिटी पे उसका इंपैक्ट देखा, तो एक चीज समझ में आई कि कभी भी पैंडामिक हिट होता है तो कमोडिटी के भाव बढ़ते हैं। उसके अलग अलग कारण है। पहला कारण है सप्लाई लाइन खाली हो जाती है, पाइपलाइन खाली हो जाती है, तो वहां पे रीस्टॉकिंग चालू हो जाती है, सप्लाई डिस्टर्बेंस रहता है, डिमांड रिमर्ज हो जाती है, फिर से नई तरीके से चीजें स्टार्ट होगी। तो उसी के देखते हैं हमने 2021 के अंदर कमोडिटी की एक सुपर साइकिल बनते हुए देखी है जो 2022 में कंटिन्यू रहेगी। अब अगर हम बिनौला खल की बात करें तो मैंने आपके चैनल पे ही 2400-2450 में बताया था कि मेरा ओवरव्यू 4000 रुपए का है, 2022 के अंदर सबसे बेहतरीन कमोडिटी होकर निकल के आएगी, और आज आप देख सकते हैं 3000 के ऊपर अच्छे से, चाहे जनवरी मंथ हो चाहे फरवरी मंथ हो, 3000 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है तेजी आधी आई है, आधी तेजी अभी बाकी है। उसके पांच मुख्य कारण है। पहला आप समझिए कॉटन क्रॉप जो 370 से 360 का रिवीजन हुआ, ये गवर्नमेंट के फिगर धीरे धीरे आ रहे हैं सीआई के, बट अगर आप हाजिर में ट्रेडर से बात करेंगे तो जिस ढंग से अनसीजनल रेन हुई है, डैमेजेस हुआ है, तो लोग कतराते नहीं है 300 के नीचे के फिगर देने में भी। मैं बोलता हूँ 300 का फिगर छोड़ दीजिए, अगर 340 का भी अगर फिगर आता है तो हम पिछले साल के मुकाबले डेफिसिट में रहेंगे। डिमांड में हमने ऑलरेडी देखा कॉटन यार्न टेक्सटाइल अपैरल में जबरदस्त डिमांड आई है क्वार्टर थ्री में, फेस्टिवल्स को लेकर, ये सब पोस्ट पैंडेमिक, ये डिमांड 2022 में भी कंटिन्यू रहेगी। तीसरा डेयरी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के खुद के फिगर्स आए हैं कि डेयरी इंडस्ट्री में 11-12% का एक सीएजीआर ग्रोथ रहेगा 2022 में, जिसकी वजह से बिनौला खल जो दूध में फैट बढ़ाने के काम ज्यादा आता है वहां पे हम एक अच्छी तेजी देखेंगे। वहीं अगर अदर खल्स की बात करें, चाहे हम सोया, मस्टर्ड, गवार, ये सबके भाव ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, ठीक है, बाजरा, भूसा और भी काफी चीजें हैं, बट जो प्रोटीन रिलेटेड भी अगर आप बात करो तो उनके भाव भी तेज है, तो उसके मुकाबले आज भी कॉटन सीड ऑयल के काफी सस्ती है। हाँ, यहाँ से 150 पॉइंट की, 100 पॉइंट की कभी भी अगर गिरावट आ भी जाए, घबराना नहीं है, क्योंकि देखो 2400 वाला चीज अगर आप 3000 देख लेते हो इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ और 1.5 मंथ, तो कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट की गिरावट आ भी जाए तो घबराना नहीं है। मुझे लगता है कि जनवरी तक, जनवरी एंड मिड तक हम 3150 का, 3180 तक का लेवल, फरवरी तक 3600 का लेवल, और फरवरी के बियॉन्ड जैसे हम जाएंगे मुझे लगता है कि ये प्राइजेस 4000 का लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉक पोजीशन है वो आज अराइवल है, दिसंबर मंथ में हिस्टोरिकल अगर आप 2-3 साल का अराइवल देखोगे उसके मुकाबले काफी कम हो चुका है। तो ओवरऑल सारे ही फैक्टर, टेक्निकल, फंडामेंटल कॉटन सीड ऑयल के लिए जबरदस्त तेजी के हैं, जो मुझे लगता है ये मार्च तक आपको 36 से 37 तो कंफर्मेटिव, उसके ऊपर स्पाइक्स मिल जाएंगे जो 4000 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक में बने रहिए, हर 150-200 पॉइंट के घटाने पे ऐड करना चाहिए, हाथ में माल रहना बहुत जरूरी है। जी तो यानी कि चाहे टेक्निकली बात करें चाहे फंडामेंटली, बिनौला खल की कीमतों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा हमें अजय जी ने बताया, साल 2022 में बिनौला खल उन कम्युनिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो आपको बेहतरीन मुनाफा देते नज़र आ सकती हैं। तो बिनौला खल में मार्च 2022 में 4000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 3600-3700 के बाद, तो उन लेवल्स के लिए निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। यहीं से अजय जी बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला कॉम्प्लेक्स में देखने की लगातार दूसरा तीसरा हफ्ता है जब मसालों में गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या नए साल की शुरुआत में मसालों में कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है? क्योंकि हम देखेंगे कि मार्च में होली भी है और फिर रमजान का भी महीना शुरू हो जाता है, तो क्या तब जाके कुछ एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं?
देखिए 2022 की अगर बात करें तो अगला जो कॉम्प्लेक्स मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मसाला ही है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि मसाले में जबरदस्त तेजी रहेगी और हम देख भी रहे हैं, जैसे आप बताए कि मार्केट में गिरावट, और धनिया को छोड़ के आई थिंक जीरा तो काफी स्टेबल है, 16,000 के नीचे ही नहीं जा पा रहा है। कैरी ओवर स्टॉक थोड़ा बहुत जीरे में दिखाई दे रहा था बट कंजम्पशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। नो डाउट इस बार एरिया अंडर कल्टिवेशन में भी हमने बेहतरीन गिरावट आती हुई देखी, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। एज ऑफ नाउ जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आया था जिसके चलते ये रैली हमने बनते हुए देखी, वो अब स्टीम ऑफ हो रही है, तो अगले 10 दिन तक मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। बट ध्यान रखिए जनवरी 15 तारीख से दो चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। पहला है एक्सपोर्ट डिमांड, क्योंकि धीरे धीरे ठीक है कोविड का रेस्ट्रिक्शन है सब है, बट अब हमको समझ में आ चुका है कि कोविड के साथ ही जीना है, प्रोटोकॉल अपना के जीना है, तो आई डोंट थिंक जो सीवियर रेस्ट्रिक्शन है वो सब होंगे, थोड़े बहुत की एरियाज में हो सकते हैं बट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। दूसरा है मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहना, जिस ढंग से लानिनो की वजह से इस बार हमने देखा कि ठंडी सीवियर पड़नी है, तो लेट्स से अगर 20-25 जनवरी के आसपास जो हमें दिख रहा है कि सीवियर कोल्ड पोलर वॉर्टेक्स सिनेरियो बन सकता है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप को अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो इसका यील्ड पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और ये बड़ा ट्रिगर रहेगा जो आपको फरवरी 10 तारीख से लेकर 15 मार्च के बीच में एक अच्छा खासा नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा, जिसमें जीरा हम समझते हैं कि 20,000 से 22,000 तक का लेवल, और धनिया हम समझते हैं कि एक बार ये 10,200 का लेवल ब्रिज कर जाए तो कम से कम 12,500 से 13,000 तक का भी लेवल दिखा दे। तो 2022 के लिए जीरा धनिया बेहतरीन पीक रहेंगे, थोड़ा भी गिरावट मिले लेके ही चलना है, हाथ में माल रहना बहुत जरूरी। जी ये सर जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आप पहले ही बता चुके हैं कि जो बिजनेस रहेगा वो नेगेटिव टू साइड, जो वो साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। ऐसे में हमने देखा कि कल के कारोबारी सत्र में ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही लोअर सर्किट्स लगते नजर भी आए थे। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या निचले स्तर से खरीदारी फिर से निकलेगी और 11,000 के लेवल्स फिर से पार होते नजर आएंगे, या फिर ऐसी रेंज बाउंड ऐसी आगे भी देखने को मिलता रहेगा? देखो लॉजिकली अगर बात करें तो मैं अभी भी तेजी में नहीं हूँ, मेरे कहने से नहीं होता कोई भी चीज, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है जो मैं रीड कर रहा हूँ फंडामेंटल्स को और टेक्निकल जो मेरे को दिखा रहे, मैं कर सपोर्ट में नहीं हूँ। ऑलरेडी हमने अगस्त सितंबर में जो बड़ी तेजी देखी थी उसके बाद प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट जनवरी मंथ में कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा, हो सकता है टेक्निकली वापस हम 6,000 का लेवल देखें, बट दैट विल बी ए गुड पॉइंट टू टेक शॉर्ट पोजीशन। जो नीचे में मुझे इमीडिएट में 5,500-5,600 तक का लेवल लग रहा है, और वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में 5,100-5,200 जो मैंने पहले भी कहा था वहां पर दिखा रहा है। वहीं गवार गम में अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि उचित तेल के भाव के चलते कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव होगा, बट जिस ढंग से वापस कोरोना का कंसर्न बना हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रूड की तेजी जरूर है बट इस बार प्रोडक्शन जो बढ़ेंगे वो ओपेक प्लस कंट्री से बढ़ेंगे, ना कि यूएस से, एज ऑफ नाउ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई थिंक थोड़ा हो सकता है कि 10,850-10,900 का लेवल दिखा दे, बट ये एग्जिट वाले भाव होंगे, लेने वाले भाव अभी भी नहीं लगते। 15-20 जनवरी के बाद ही मुझे लगता है कुछ नया बेस बनता हुआ दिखेगा और वहां पे हम थोड़ी बाइंग की एक्टिविटी देख पाएंगे, अदरवाइज उछाले पे अभी भी निकाली करके चलिए। जो 9,500 का पहला बेस लग रहा है गवार गम में, उसके नीचे 8,800 तक का लेवल लग रहा है। गवार सीड में 5,600-5,550 का पहला बेस दिख रहा है, और अगर वो तोड़ता है तो उसके नीचे जाता हुआ अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बट अगर वो तोड़ता है तो 5,200 तक का भी लेवल दिखेगा। लेने की मेरी कोई भी राय नहीं है, मुझे लगता है उछाले पे बेच के ही चलना चाहिए। जी यानी कि ग्वार गम और ग्वार सीड पर थोड़ा संभल के ट्रेड करने की ज्यादा जरूरत है। ये से जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपने बता दिया था कि एक रेंज देखने को मिलेगी, एक रेंज में ही हमने कारोबार होते हुए भी देखा, हमने रिसेंटली सोयाबीन में 6,450 तक के हाइज लगते भी देखे। आपको क्या लगता है, अगर सोयाबीन एक बार फिर से 6,400 के ऊपर निकलती है तो क्या आगे अच्छी तेजी बनेगी, या फिर अभी भी सोयाबीन एक रेंज में ही रह जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में तो तेल तिलहन बाजार में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है, तब थोड़ा हॉलीडेज देखते हैं जिससे कि वजह से कामकाज थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जनवरी में सोयाबीन 7,000 या उसके भी पार जाती नजर आ सकती है? देखिए सोयाबीन में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर तेजी का ही रुख कायम रहेगा इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि बार बार में गवर्नमेंट की जो एक्शन ली जा रही है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, उसी के तहत हमने प्राइजेस के अंदर बार बार में करेक्शन भी आते हुए देखा है। तो आई थिंक 6,400-6,500 के ऊपर प्राइजेस होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं,
और नीचे में 5800 के नीचे भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर उछाले पे बेच के ही चलना चाहिए, सॉरी एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी क्या हो रहा है कि बायोफ्यूल के चलते या क्रूड की तेजी के चलते पाम ऑयल में तेजी बनी हुई है, और पाम ऑयल की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी रहता है। बट ध्यान रखिए, इंडिया में सबसे बड़ा जो क्रॉप हम बोलते हैं मस्टर्ड की, ये जल्द हम फरवरी मार्च में हीट होते हुए देखेंगे, जिसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है साइडवे ही रहेगा प्राइस में, कोई भी बड़ा पोजिशन बनाने से बच सकती है। जी यही से अजय जी, बात करें अगर मेंथा की, तो मेंथा पे आपके क्या व्यूज रहेंगे, क्योंकि हमने इस बार मेंथा को काफी लोअर लेवल्स पर भी ट्रेड करते देखा है, जो डिमांड रही है वो भी काफी कमजोर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लेवल अब थोड़ी थोड़ी रिकवरी करना भी चालू कर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है जनवरी 2022 में मेंथा में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? मेंथा के लिए हर्डल जो है वो है मंडी टैक्स, जिस दिन से हमने देखा जो डब्ल्यू टैक्स सीजन के चलते मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। सेकेंडली कैश क्रंचेस के चलते भी मार्केट में कोई बड़ा उछाल नहीं आ रहा था, पिछले 2-3 महीनों से हमने देखा 920 से लेकर 990 के बीच में ही मूव करता हुआ दिखा था। चाइना हमारा सबसे बड़ा बायर है, जिस दिन से हमने देखा इंडिया और चाइना के जो टेंशन बढ़े हैं इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मेंथा पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। लास्ट ईयर हमने फरवरी मार्च में देखा था चाइना को A2 कैटेगरी से घटा दिया था, जिसके चलते इसमें प्राइजेस के अंदर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। टाइमिंग मुझे लगता है कि लानिनों के चलते जो मौसम है वो काफी सीवियरली कोल्ड रहेगा, जिसकी वजह से डिमांड में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो अरोमा इंडस्ट्री का भी जो आउटलुक है, जैसे जैसे अनलॉकडाउन हो रहा था वहां पे हम देख रहे थे कि प्राइजेस को उसका सपोर्ट भी मिला था। टेक्निकली आज बात करें तो भाव जनवरी वाला वायदा 990 के ऊपर है, फ्रेंकली अगर ये आपका 990 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लगता है 1015 से 1020 तक का एक बार उछाल दिखा सकता है। बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम में काफी बड़ा ड्रॉप है, ओपन इंटरेस्ट भी 1000 के नीचे आया हुआ है, तो बेटर है एक बार हमें 990 से लेके 1020 तक के टारगेट के लेके चलना चाहिए 970 के स्टॉप लॉस से। बट बड़ी पोजीशन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के बाद ही बनेगी, और मुझे लगता है एक बार 1010 1020 के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम और वापस लौटता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अभी लेके चल सकते हैं, जनवरी में 1020 तक का टारगेट रहना चाहिए। जी अजय जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, साल 2022 के लिए आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल को हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा और नए साल का आगमन भी होने ही वाला है, तो साल 2022 के लिए आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे? देखिए टॉपिक में ऑलरेडी हमने जो लिमिटेड कमोडिटी है एज ऑफ नाउ, तो मुझे लगता है टॉपिक में जो बची हुई कमोडिटी वो सारी दिखाई दे रही है, उसमें वो कॉटन सीड ऑयल के काफी साउंड और मजबूत दिखाई दे रहा है, जो 4000 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं दूसरी कमोडिटी मुझे लगता है जीरा और धनिया रहना चाहिए, जिसमें जीरे में 20,000 का पहला टारगेट रहना चाहिए, और वहीं धनिया के अंदर भी मुझे लगता है 10-12,000 तक का लेवल दिखा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सबसे अच्छी कमोडिटी जो रह सकती है वो रह सकती है बिनौला खल, काफी अच्छा रिटर्न देती नजर आ सकती है। बिनौला खल में अजय जी ने तब से 4000 का लेवल दे रखा है, जब बिनौला खल 2400-2450 पर ट्रेड करते नज़र आ रहा था, तभी उन्होंने बता दिया था कि बिनौला खल ऊपर में मार्च 2022 तक 3800 से 4000 तक का लेवल दिखा सकता है। 3000 का लेवल हमने अभी दिसंबर के अंत तक बनते देख लिया है, जनवरी में भी आगे और अच्छी कीमतें रहेंगी, तो बिनौला खल में अभी और तेज़ी में देख बिनौला खल की जो कीमतें अभी आगे और तेज़ देखने को मिल सकती है। तो ये तक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसल का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।